नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट हम दोस्त अखिल चौधरी। तो गाइज, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नए अपडेट्स फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे अगर जो इस चैनल पर नए आए हैं और उन्हें मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको ज्यादातर फूड टेक के रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी। जो फूड इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वहाँ के इक्विपमेंट्स की वीडियो मिलेगी, और आपको जो भी फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नए ट्रेंड आ रहे हैं, जो नए अपडेट्स आ रहे हैं इसी चैनल पे, ओनली ओनली इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो पे चलते हैं। तो गाइस, पहला अपडेट आता है हमारा क्रीमलाइन मिल्क डेयरी की तरफ से। गाइस, इन्होंने एक अपना नया प्रोडक्ट निकाला है, मतलब ये डेयरी के रिलेटेड प्रोडक्ट निकाल दिया। तो इन्होंने अपना नया प्रोडक्ट निकाला है, उन्होंने नाम रखा है जर्सी मिल्क प्लस प्रोटीन। तो गाइस, ये एक ऐसा मिल्क है जिसमें आपको ये टोंड मिल्क होगा और इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी 45 करके इसे इंक्रीज कर दी गई होगी, और इसका नॉर्मली कीमत होगी बाजार में 40 रुपए, और ये हैदराबाद में मिलेगा 40 रुपए में, या फिर 500 या 400 ml तक आपको दो दिन इसमें से आपको मिल जाएगा। और इसे गाइज आप ऑर्डर भी कर सकते हैं अपने, जैसे बिग बास्केट जो हम आपने देखा ऑनलाइन शॉपिंग होगा ग्रोसरी के लिए, वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो गाइज, अगला अपडेट आता है हमारा NFL को रिलेटेड। गाइज, NFL जो कि है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इन्होंने गाइज करा क्या है, अपने 5 ऐसे यूनिट्स निकाले हैं, मोबाइल यूनिट्स निकाले हैं। मोबाइल यूनिट मतलब कि एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की मदद से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज पे जाके, मोबाइल सिटीज पे जाके अपनी सॉइल की टेस्टिंग कर सकते हैं आप अपने। अगर आपसे इनसे NFL की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, इन्होंने अभी लॉन्च करे हैं एक 5 ऐसे मॉडल निकाले हैं जहां से आप अपने सॉइल को, अपनी मिट्टी को आप टेस्ट कर सकते हैं इन मोबाइल टेस्टिंग लैब्स से, जो कि एक नॉर्मली बस ही होगी, बस के अंदर सारे टेस्ट लैब्स होंगे जिसके अंदर आपके आप जा सकते हैं वहां पर और अपनी सॉइल की टेस्टिंग करके वापस आ सकते हैं अपनी सिटीज पे आगे। अगला अपडेट आता हमारा न्यूट्रास्यूटिकल फूड को लेके। गाइस, न्यूट्रास्यूटिकल फूड आपसे मैंने कई बार अपने वीडियो में डिस्कशन करा है। अगर गाइस जिन्होंने अपनी इस बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो गाइस आपको मेरी एक प्लेलिस्ट में, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखी जाएगा, मैंने काफी बार न्यूट्रास्यूटिकल फूड के बारे में कहा था कि आने वाली टाइम पे हमारा जो फूड सेक्टर है वो न्यूट्रास्यूटिकल फूड की वजह से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, मतलब इनकी प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। वैसे एक रिसर्च निकल के आई है, उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया में अब न्यूट्रास्यूटिकल फूड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, इनके दाम बहुत अच्छे, मतलब कि बिल्कुल कंज्यूमर जो कि नॉर्मल कंज्यूमर भी आराम से खरीद सकता है और अपनी न्यूट्रिशन को अच्छा कर सकता है और अपनी सेहत को अच्छा कर सकता है। नॉर्मली गाइस न्यूट्रास्यूटिकल फूड हमारे पेशेंट्स के लिए ज्यादा प्रिपेयर होते हैं और अपनी जो जिन्हें अपनी हेल्थ में थोड़ा बहुत सुधार चाहिए होता है उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रोल अदा करते हैं। तो गाइज, अगला अपडेट आता है हमारा FBO की तरफ से। गाइज, FBO ने कहा है कि जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट लॉकडाउन के दौरान बने थे उन्हें कम से कम 6 मंथ के अंदर उसे टेस्टिंग कर देनी चाहिए, मतलब कि सारी अपनी जितनी भी बेवरेजेज के अंदर कंपनी आती है फूड और बेवरेजेस, जो भी लॉकडाउन के दौरान उनका फूड बना था वो 6 मंथ के अंदर उनकी टेस्टिंग कम्प्लीट करने को कहा है FBO में। गाइज, लिटल सा अपडेट था, मैंने आपको बताना इम्पोर्टेंट समझा। तो गाइज, अगला अपडेट आता है हमारा एक शुगर इंडस्ट्री, मतलब कि फार्मर के रिलेटेड कैसे आएगी कि जो हमारी ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे प्राइस की जो कीमतें थी वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से फार्मर को उनके अपनी क्रॉप का प्रॉपर मूल्य नहीं मिल रहा था, मूल मतलब कि वैल्यू नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब आने वाली अपडेट से पता लगा है कि अब शुगर के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, वर्ल्ड शुगर के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, ये अपडेट आई है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उसकी शुगर की कंजप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से हमारी शुगर की प्राइस है वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो ये कुछ अपडेट थी फार्मर्स के रिलेटेड। अगला हमारा अपडेट आया है फूड मिनिस्ट्री की तरफ से। गाइस, फूड मिनिस्ट्री जो कि हरसिमरत कौर बादल जी चला रही हैं, उन्होंने कहा है कि एक इन्वेस्टमेंट दिखाई है हमारे माइक्रो फूड्स के रिलेटेड। गाइस, माइक्रो फूड्स क्या होते हैं? माइक्रो फूड गाइस नॉर्मली अगर आपको देखना हो तो उसका लिंक, किसी को भी खरीदना हो तो उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जहां पर वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। अगर उसे परचेज करना चाहते हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। माइक्रो फूड्स गाइस नॉर्मली पिकम जैम
और हमारे जो सिंपल ब्रेड्स बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए उससे सारे माइक्रो फूड्स में आ जाते हैं। तो माइक्रो फूड्स पे गाइस हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है जो कि है 35,000 करोड़ रुपए, और उन्होंने कहा है कि इस पे थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड निकालेंगे और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें थोड़ा डिक्रीज लाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि ये स्टार्ट एक तरह का गाइस स्टार्टअप भी, माइक्रो फूड का कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा देने वाली है गवर्नमेंट, और कोशिश इनकी यही है कि कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट हो और सबको रोजगार मिले। और ये सारी स्कीम आती है हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्कीम के अंदर, जो उन्होंने कहा था कि कैसे आत्मनिर्भर बनकर अपने फूड अपने जो भी है उन्होंने कहा, आपको पता है उनके काफी जुमले होते हैं वैसे ही उनके जुमले इस बार भी चले हैं। और उन्होंने कहा अभी भी गाइस मैं आपको वीडियो देने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुन रहा था, क्योंकि उन्होंने 4 बजे आना था, 4:17 पर उन्होंने अपनी स्पीच बंद करी, फिर मैंने उसके थोड़े अपडेट देखे, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मेरे को लगा कि कम से कम मैंने अपने 17 मिनट अपने वेस्ट कर लिए जिंदगी की। अगर आप भी वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं न्यूज चैनल पर। तो अगला अपडेट आता है हमारा फैट रिप्लेसर के ऊपर। फैट रिप्लेसर वो होते हैं जो कि हम अब जहाँ पे हमारा फैट का इस्तेमाल होता है उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करें, जिसके वो बिल्कुल सेम सा, बिल्कुल एग्जैक्ट सा न्यूट्रिशनल वैल्यू और न्यूट्रिशन कंटेंट और जैसा वो मटेरियल की टेक्सचर बना देता है फैट, वैसा ही बिल्कुल ऐसा सब्सटेंस निकल के आ चुके हैं। काफी ज्यादा सब्सटेंस है, उन्हें उन्हें हम यूज कर सकते हैं एज अ, कैसे हम आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं, काफी बेकरी प्रोडक्ट्स है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। उनकी थोड़ी सी जो लिस्ट होगी वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, आपको यहाँ पे सारी दिख रही होंगी वो लिस्ट, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस गाइस ये थोड़े छोटे से अपडेट्स थे। तो गाइस मैं आपसे पूछना चाहता था दोस्तों कि अगर मैं एक वीडियो लेके आना चाहता था स्टार्टअप्स के बारे में, जो मेरे पुराने व्यूअर हमें पता होगा, तो गाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी थी कि ऐसी मैं वीडियो लेके आऊँ, पर दोस्तों कुछ स्क्रिप्ट सी नहीं बन पा रही, मैं कैसे उसे आपको प्रोवाइड करूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक मैन टू मैन मतलब कि समझाने के लिए। अगर वीडियो के थ्रू अगर मेरे सामने कोई होता उसे मैं इजीली समझा पाऊंगा, पर वीडियो पे एग्जैक्ट ऐसा समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं आपसे एक हेल्प मांगता हूँ, आप मुझे थोड़ा लिटिल बिट आइडिया शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर, और मुझे कुछ बता सकते हैं कि कैसे मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ इस अपनी वीडियो को स्टार्टअप्स के रिलेटेड, और आपके जो क्वेश्चन होंगे शायद उसमें भी मैं इंक्लूड कर पाऊँ। अगर आप थोड़े से क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा सुझाव होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो मेरे लिए इजी होगा वीडियो को बनाने के लिए। तो गाइज यही थी मेरी वीडियो, अगर गाइज आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अब बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, क्योंकि मेरे एग्जाम एक्सटेंड हो चुके हैं, तो मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो चलता हूँ गाइज, आज के लिए बस इतना ही, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।